काफ़ी दिन से मैं ये बात नोट कर रहा था कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो कमेंट बॉक्स में जब भी कोई मुझसे अपनी परेशानी शेयर करता है, कोई बात पूछता है, तो फ़ौरन एक कमेंट आ जाता है कि ऑनलाइन इस्तखारा करवाएं, ऑनलाइन अपनी परेशानियों का समाधान करवाएं। और ये पीर साहब हैं जो ऑनलाइन इस्तखारा करते हैं, मेरी शादी का बहुत बड़ा मसला था, इन पीर साहब ने हल कर दिया। व्हाट्सअप नंबर 9665 और ये नंबर सऊदी का दिया जाता था। मैंने काफ़ी नोट किया कि मेरी तकरीबन अक्सर वीडियोस पर ये मैसेज, बार बार मैसेज, बार बार मैसेज। मैंने काफ़ी हद तक इसको ब्लॉक करने की कोशिश भी की और मैंने ब्लॉक भी किया है, लेकिन ये पीर साहब जो भी हैं, जिन्होंने अपने चेले चपाटे लगा रखे हैं, इन्होंने अपने चेले चपाटों से अलग अलग तरह से आईडीज़ बनवा रखी हैं जो अलग अलग नाम से मैसेज आते हैं कि मेरे शादी का मसला, कभी लड़के के नाम से आईडी है लेकिन मैसेज वही सेम होता था कि मेरी परेशानी का सॉल्व इन पीर साहब ने किया, इनसे रابطہ कायम करें। जब मैंने वो मैसेज बार बार देखा तो मैंने उस नंबर को नोट किया और नोट करने के बाद अपने एक न्यू नंबर से व्हाट्सअप स्टार्ट किया और उस नंबर पर मैसेज किया। जब मैंने अपना नाम लड़का बताया, मैंने एक लड़के का नाम बताया और मैंने कहा मुझे पीर साहब से बहुत अर्जेंट बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं परेशान हूँ। पीर साहब का नो रिप्लाई। मैंने फ़ौरन एक दूसरा सिम कार्ड मोबाइल में इंसर्ट किया और न्यू व्हाट्सअप ओपन किया और मैंने फ़ौरन मैसेज किया उसी वक्त कि मैं एक लड़की का नाम मैंने लिया और मैंने कहा मैं लड़की हूँ, पीर साहब मेरी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, जल्दी से मुझसे कांटेक्ट करें। फ़ौरन पीर साहब का रिप्लाई आया। लड़के की आईडी से मैंने मैसेज किया, अपना नाम लड़के का बताया तो नो रिप्लाई। उसी वक्त मैंने फ़ौरन लड़की के नाम से जब मैसेज किया तो फ़ौरन पीर साहब का रिप्लाई आया। और जब रिप्लाई आया तो मैंने बताया कि मेरी बहुत बड़ी परेशानी है, तो उन्होंने फ़ौरन अगला जो उनका क्वेश्चन था वो ये था कि फ़ौरन अपना फ़ोटो सेंड करें। मैंने एक फ़ोटो नेट से उठाया। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को ये तमाम तरह के जो फ्रॉड चलते हैं और हमारी बहनें फ्रॉड में आ जाती हैं, हमारे चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे ईसाई धर्म के लोग हों, जो भी लोग हम आखिर हैं तो इंसान, जो भी कोई फ्रॉड में आता है वो परेशान हो जाता है और उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मैंने एक फ़ोटो नेट से उठा के पीर साहब को सेंड किया तो फ़ौरन पीर साहब का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाइव फ़ोटो दें मुझे आप, फ़ौरन अभी अभी क्लिक करके फ़ोटो दें। तो मैंने कहा पीर साहब रात हो रही है, सुबह फ़ोटो ले लीजिएगा आप। लेकिन पीर साहब ज़िद पे अड़े रहे कि नहीं मुझे फ़ोटो अभी चाहिए, मैं अभी कहाँ से देता। तो मैंने जब ये कहा नहीं अभी नहीं चाहिए तो फ़ौरन पीर साहब का रिप्लाई आया कि तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़के हो, तुम लड़के हो, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। और उन्होंने मुझे फ़ौरन ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने एक तीसरी आईडी से उनके पास मैसेज किया और मैंने कहा कि मेरी परेशानी है, ये नेक्स्ट डे की बात है, लेकिन उस पर भी पीर साहब ने मुझे ये कहा फ़ौरन फ़ोटो दें और लाइव फ़ोटो। उन्होंने मुझे दोनों बार मुझसे लाइव फ़ोटो मांगा। आप तमाम ख़वातीन जानती हैं कि लाइव फ़ोटो देने के कितने नुकसान हैं। लाइव फ़ोटो को एडिट करके आपका वीडियोज़ में शेयर किया जा सकता है, गलत तरह से आपकी इमेज बनाई जा सकती है और आपके फ़ोटो का कितना मिसयूज़ किया जा सकता है, आप अच्छे तरीके से इससे वाकिफ़ हैं। बहुत सारी गलत वीडियोस होती हैं जिसमें आपको फ़ोटो लगाया जा सकता है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है और आपसे इस बहुत सारा पैसा भी निकलवाया जा सकता है, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करवाया जा सकता है। बहुत सारे नुकसान हैं जिसके बारे में आप न्यूज़ पर और बहुत सारी तरह तरह की क्लिप्स वगैरह देखती रहती होंगी, बाखबर भी हैं। तो मैं सिर्फ़ इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूं अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से और दुनिया में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इस तरह के जितने भी ऐड आते हैं कि मनचाहा प्यार और मनचाहा काम अपना करवाएं और जो है साहब ऑनलाइन इस्तखारा करवाएं, ये सिर्फ ढकोसलेबाजी होती है, ये एक फ्रॉड होता है, लोगों को लूटने के तरीक़े हैं और एक धोखा है, ख़वातीन की इज़्ज़तों से खेलने का तरीक़ा है। बाज़ दफ़ा ख़वातीन को ब्लैकमेल करके अपने पास भी बुलवा लिया जाता है और ग़लत तरीके से उनका मिसयूज़ भी किया जाता है, उनके फ़ोटो का गलत यूज़ करके उनको उठवा भी लिया जाता है, उनको कैदी भी बना लिया जाता है और बहुत मोटी मोटी रकम भी ऐंठ ली जाती हैं। तो ये ऑनलाइन इस्तखारा करवाने वाले जो भी पीर साहब हैं, जो भी पीर साहब हैं मेरे भाई, इनसे बचने की कोशिश करें और इस तरह के जितने भी मैसेज आपको मिलते हैं इन मैसेज को अवॉइड करें, इनसे बचें, जितना हो सके इनसे बचें और रिजेक्ट पे लगाएं। और खुदा के लिए, खुदा के लिए आप याद रखिए, दुनिया की कोई ताकत आपका काम अल्लाह के अलावा नहीं बना सकती, कोई ज़ात नहीं है अल्लाह के अलावा जो आपके काम बना सके। अपने ईमान को मजबूत करें, ये दुनिया है, जन्नत नहीं है, यहाँ आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, यहाँ आपकी मन के मुताबिक नहीं होगा,
यहाँ वो होगा जो रब चाहेगा, आखरत में आपकी मन के मुताबिक होगा। इस तरह के मैसेज मैं बहुत देख रहा था, मैंने सोचा चलो रिजेक्ट कर दो, लेकिन मुझे पता चला कि दूसरे चैनल वालों के वीडियोस पे भी इस तरह के मैसेज किए जा रहे हैं। और अब मुझे ये भी पता चला कि हमारी बहुत सारी बहनों ने इन पीर साहब से और इस तरह के जितने भी जाली पीर हैं उनसे रابطہ कायम किया है, अपने फ़ोटोज़ भी शेयर किए हैं, बाज दफ़ा पीर साहब ने वीडियो कॉल भी करवाई है, तो उन ख़वातीन ने वीडियोज़ कॉल भी किए हैं। मेरी तमाम हिंदू धर्म की बहनों से, तमाम मुस्लिम धर्म की और तमाम हिंदुस्तानी और तमाम दुनिया की ख़वातीन से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए अपने फ़ोटोज़ शेयर ना करें, ऐसे लोगों को बिल्कुल फ़ोटोज़ शेयर ना करें। ऐसे लोग जाली हैं, ढोंगी हैं, ऐसे लोग फ्रॉडी हैं जो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपकी इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आपके फ़ोटो के ज़रिए आप किसी भी क्लिप पे लगा के आपका मिसयूज़ भी कर सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपये आपसे ऐड भी सकते हैं और आपके फ़ोटो लगा कर लाखों करोड़ों रुपये की वीडियोज़ बेच भी सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि जागिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ये दुनिया है, दुनिया का मुकाबला कीजिए। परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं, जन्नत किसी की ज़िंदगी भी नहीं है। मुझे एक वाक़या याद पड़ता है कि एक हमारे मोहल्ले में भी एक ऐसी तरह का ढोंगी बाबा आ गया था। वो ये कहता था मैं आगे की बता सकता हूँ, मैं पीछे की बता सकता हूँ और मैं सब कुछ बता सकता हूँ, और वो सबसे 500-500 रुपये ले रहा था। हमारे वाले साहब माशाल्लाह काफ़ी ताकतवर हैं माशाल्लाह, और मुजाहिद लगते हैं एकदम, तो ताकतवर फ़ौजी टाइप के महसूस होते हैं। तो उनको जब ये पता चला कि एक बाबा आ गया है तो वो वहाँ गए, और उसके पास जब गए तो देखा कि सारे लोग भीड़ लगा के बैठे हुए हैं और 500-500 रुपये वो सबसे ले रहा है। अच्छे खासे पढ़े लिखे भी उसके पंजे में अटके हुए हैं और खुश हो रहे हैं कि यार ये तो पिछला भी बता रहा है, अगला भी बता रहा है। तो वालिद साहब ने उससे कहा कि बाबा से कहा कि हम तुम्हें लाखों रुपया देंगे तो हमारे पास एक सवाल का जवाब दो। वो कहने लगा ठीक है बच्चे बताओ पूछो, हम तुम्हें लाखों करोड़ों दोगे तुम तो हम तुम्हें जवाब देंगे, ऐसी क्या बात है। अब वालिद साहब चूँकि जूता हमारा ऊंचा तक पहने, हमारे वालिद साहब जो है जूता ऊपर तक पहनते हैं, ऊपर तक, ताकि वो घुटनों से नीचे वाला जो लॉन्ग शूज़ होता है वाला, तो उन्होंने वो जूता उतार के उस बाबा के सामने रखा और ये पूछा कि ये बता कि ये जूता अब तेरे सर पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वो चक्रभिन्नी बन गया, ये जूता तेरे सर पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तू ये बता अपने बारे में। कदम पकड़ लिए उसने, सबके पैसे वापस किए और तौबा करके गया कि मैं कभी अब लोगों को गुमराह नहीं करूँगा। तो मेरे अजीज़ बहनों, मेरे भाइयों, इस तरह से ये ढोंगी बाबा होते हैं जो गुमराह करते हैं। एक बादशाह का वाक़या भी मशहूर है ना, कि एक बादशाह को किसी नजूमी ने आके बता दिया कि आप तो इंतकाल कर जाएंगे, जल्दी इंतकाल कर जाएंगे, एक महीने में आपकी वफ़ात हो जाएगी। अब वो बादशाह गम में घुलने लगा कि मेरा एक महीने में इंतकाल हो जाएगा, बीमार पड़ गया, कुछ खाता नहीं था, पीता नहीं था। तो वज़ीर बड़ा परेशान कि बादशाह सलामत को कैसे ठीक करूं। तो एक दिन उसने उस नजूमी को बुलाया, जो हाथों की लकीरें देख के बताते हैं ना, सितारे देख के बताते हैं, उस वज़ीर ने उस नजूमी को बुलाया और बादशाह सलामत से कहा कि आज मेरी बात ज़रा आप गौर से देखिएगा, सुनिएगा और देखिएगा। जब वो नजूमी दरबार में आ गया तो वज़ीर ने ये कहा नजूमी से, तू ये बता कि तू कितने साल ज़िंदा रहेगा। तो उसने बताया अपने बारे में, 20 साल ज़िंदा रहूँगा। वज़ीर ने वहीं तलवार निकाली और उसका गला, सर जो है वो अलग कर दिया। और फिर बादशाह सलामत से कहा, देखो ये कह रहा था 20 साल में ज़िंदा रहूँगा, ये तो अभी ख़त्म हो गया। तो ये हमारी एक हमारे माइंड की प्रॉब्लम है कि हम किन लोगों पर यकीन कर लेते हैं। बहुत फ़िक्र की ज़रूरत है इस ज़माने में, जो फितने का ज़माना है, फ्रॉड का ज़माना है, धोखाधड़ी का ज़माना है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और परेशानियों का सामना करें। ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। जन्नत में आप वो चाहोगे वो सब मिलेगा, दुनिया में जो आप चाहोगे वो नहीं मिल सकता। इस क्लिप को शेयर भी करें और प्लीज़ खुदा के लिए मेहरबानी करके, दिली दरख्वास्त है मेरी, ख़ुद को महफूज रखें, ऐसे लोगों से बचें और फ़ोटोज़ किसी से भी शेयर ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।